रिपोर्ट 360 नॉनस्टॉप शोबिज इंफरटेनमेंट। जब बात होती है म्यूजिक इंडस्ट्री की तो पाकिस्तानी सिंगर्स जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जिनका ओरिजिन तो है पाकिस्तान लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में पले बड़े हैं। इन्हीं सिंगर्स में एक नाम है सिद क्यू का भी। वो आजकल अपनी एल्बम की लॉन्च के लिए आए हुए हैं पाकिस्तान। उन्होंने दिया है रिपोर्ट 360 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सिद क्यू जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए बट ही वाज रेज्ड इन यूके, उन्होंने अपना सिंगिंग करियर का आगाज भी यूके से किया और वहाँ वो एक म्यूजिक एल्बम भी कर चुके हैं रिलीज। आजकल वो अपनी उस एल्बम की लॉन्च के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। उनकी एक वीडियो भी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है जबकि उनकी दूसरी वीडियो भी जल्द हो जाएगी ऑन एयर। हेलो एवरीवन, आई एम सिद, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अभी हम लंदन से आए हैं यहाँ पर अपनी एल्बम रिलीज़ करने के लिए। लास्ट ईयर हमने अपनी डेब्यू एल्बम सोचा रिलीज़ की थी लंदन में और हमने मोला हिट करा दे और सोचा का जो वीडियोज़ हैं वो भी हमने यूके के चैनल्स पर रिलीज़ किए हैं और पाकिस्तान में अभी जस्ट कम इन लुकिंग अराउंड लुकिंग टू रिलीज़ एल्बम probably March, April, that sort of time. The market in the UK is very different from the market in Pakistan. The music that people listen to, jo UK mein sunte hain, wo that's different to what people listen to here. It's Bhangra is that's more dominant there. We do electronic pop music and this ज़्यादा पॉपुलरिटी में भी इजाफा हो रहा है एंड आई हैव सीन के पाकिस्तान में अब बहुत सारे लोग देर लिसनिंग टू इलेक्ट्रॉनिक पॉप काफ़ी अब चल रहा है यहाँ पर। तो सो फार द मोला हिट करा दे वीडियो दैट वी रिलीज्ड ऑन द यूके लंदन चैनल्स अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वी डन फॉर अ फ्यू गिग्स हेयर एंड देयर, तो अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। अभी मोला हिट करा दे जो हमारी डेब्यू वीडियो है वो यहाँ पाकिस्तानी चैनल पर अभी हमने लॉन्च की है और चल रही है, आपने प्रॉब्ली देखी भी होगी। उसके अलावा जहाँ तक कलेबरेशन एज लॉन्ग एज फार एज कलेबरेशन आर कंसर्न, वी हैव बिन लकी टू हैव हैड अ फ्यू ऑफर्स यूके में और पाकिस्तान में तो अभी फ्रॉम इन वेरी फेयरली रिसेंटली। लेकिन आई वुडन्ट से एनी नेम्स बट इट इज़ ऑन द टेबल and if something does happen I'm sure you'll hear about it. Pakistani audience sabse zabardast baat ye hai ki it's a huge market aur the respect that you get here and the feedback that you get here you can't really get it. I am from Pakistan, my parents are from Pakistan, I was born in Pakistan originally, this is the place that I want to be. ऑब्वियसली यूके में तो चल ही रहा है लेकिन जो मज़ा यहाँ पर आता है, जिस तरह लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी वीडियो देखकर, जिस तरह कॉन्सर्ट्स पर आपको फीडबैक मिलता है, दैट्स जस्ट यू कैन मैच इट। सोचें द सेकेंड वीडियो अभी पाकिस्तान में वी विल रिलीज आफ्टर मुहर्रम एंड द वीडियो इज़ ऑब्वियसली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। द वीडियोज दैट वी हैव डन सो फार इंक्लूडिंग मोला हिट करा दे, सोचें ऑब्वियसली, देन वी हैव डियर मैडम, मीनो स्पीक इंग्लिश, ये सब इंटरनेट पर और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो यू आर मोर देन वेलकम टू यू नो पॉप अराउंड ऑन द वेबसाइट विच इज़ sidmusic.co.uk, चेक इट आउट एंड गिव अस योर फीडबैक। भोजे बिच दो करोड़ ना होवे कोई, थोड़ थोड़ कुड़ियाँ मेरे पीछे दौड़ दौड़ आहा आहा, कि लंदन पैरिस की लाहौर हर पासे होवे टोर टोर, मेरा होवे ना कोई जोड़ जोड़ आहा बोझे विच दो करोड़ ना होवे कोई, थोड़ थोड़ कुड़िया मेरे पिछे दौड़ दौड़ आहा, लंदन पैरिस की लाहौर हर पासे होवे टोर टोर, मेरा होवे ना कोई जोड़ जोड़ आहा आहा। कोई ऐसी खेड बना दे मेरा थां थां रोला पा दे, कोई ऐसी खेड बना दे मोहल्ला मनु हिट करा दे, मैनू भी फिट करा दे मोहल्ला मनु हिट करा दे, मैनू भी फिट करा दे मोहल्ला मनु हिट करा दे मैनू भी
As far as the inspiration is concerned, we listen to many different artists, UK artists, Pakistani artists, Indian artists, artists like Imran Khan. From Pakistan, you have Aliha Chaudry or Abrar. And then in India, you have, Harbhajan Singh. And none of them are, the music that they are doing, it's not quite what we're doing. But we take what we can and we learn from that. And then we try to blend it into in a new way, to bring something new that people can relate to. The most time that I personally spend is on the lyrics, because I personally believe lyrics are, that's the soul of your song. And if people don't understand the lyrics, they can't relate to it. We have big hopes, and we have come to Pakistan with the big dreams. So that's why your feedback is so valuable, and I do really look forward to hearing more from you. Show me hai abhi kafi kuch. Aap kahin mat jaye, kyunki aap dekh rahe hain Report 360. Report 360, non-stop showbiz infotainment.